of this reality. Why can't you just let me eat my way to greed? I live inside my own world of make. Hello everyone, welcome to Muscle Addict. कैसे हो आप सब? आज हम बात करेंगे द किंग ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस डेडलिफ्ट के बारे में. देखा जाए तो डेडलिफ्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आपके बॉडी के लगभग 90% मसल को ट्रेन कर सकती है एट ए टाइम. देखा जाए तो डेडलिफ्ट को परफॉर्म करने में लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं और अगले दिन उनके लोअर बैक में कहीं फिर कहीं पेन उड़ जाता है. वो उसे इग्नोर करते रहते हैं और आगे चल के लंबे समय के बाद उनको प्रॉब्लम भी होने लगती है. तो इसमें बदनाम क्या होगा? डेडलिफ्ट एक्सरसाइज. लोग बोलेंगे कि डेडलिफ्ट करने से हमारे लोअर बैक में इंजरी हो गई, ये हो गई. डेडलिफ्ट का ये है, अगर आप इसको परफेक्ट वे में परफॉर्म नहीं करते तो ये इंजरी का कारण बन जाता है. तो आज हम देखेंगे कि डेडलिफ्ट को परफेक्ट वे में हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं. उससे पहले हम जानते हैं डेडलिफ्ट के फ़ायदों के बारे में. देखा जाए तो डेडलिफ्ट जब आप शुरू करते हैं लगाना तो सबसे ज़्यादा लोड आप अपने हैमस्ट्रिंग पे देते हैं. अपने हैमस्ट्रिंग से आप वेट को लिफ्ट कर रहे होते हैं. आधा यहाँ तक अपना वेट आप हैमस्ट्रिंग से लिफ्ट करते हैं, फिर अपने अपर बॉडी से. तो सबसे ज़्यादा आपकी हैमस्ट्रिंग ट्रेन होती है, फिर काफ ट्रेन होता है, हल्का सा आपके क्वाड्स पे भी लोड आता है, आपके लोअर बैक पे लोड आता है, आपका अपर बैक उसमें इंक्लूड होता है, शोल्डर, ट्राइसेप, बाइसेप, लगभग 90% मसल आपके डेडलिफ्ट परफॉर्म करने में इंक्लूड होते हैं. इसमें इंजरी होने का भी बहुत चांस होता है. अगर आप डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं, आपका पोस्चर सही नहीं है, जैसे आप डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी ये जो बैक है ये अगर कर्व है, ऐसे बेंड है, तो यहाँ पे इंजरी के बहुत चांसेस हैं और आपका बैक बहुत हाई रिस्क में हो जाता है. अगर आप डेडलिफ्ट को करेक्ट वे में परफॉर्म करें तो ये आपका स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, स्टेमिना बूस्ट करेगा, बहुत सारे फ़ायदे हैं. आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करता है डेडलिफ्ट, आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बूस्ट करता है. तो सबसे पहले देखते हैं हम डेडलिफ्ट कितने तरह के होते हैं. डेडलिफ्ट दो तरह की होती है, एक कन्वेंशनल जो स्पेशली बॉडी बिल्डिंग में परफॉर्म की जाती है, और दूसरी होती है डेडलिफ्ट की एक्सरसाइज, वो सूमो डेडलिफ्ट बोलते हैं उसको. वो बेसिकली पावर लिफ्टर लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रेंथ स्टेमिना पे फोकस करने के लिए. तो हम यहाँ पे बात करेंगे कन्वेंशनल डेडलिफ्ट जो कि बॉडी बिल्डिंग में परफॉर्म की जाती है अपने फिजिक को बेहतर करने के लिए. तो आइए देखते हैं कन्वेंशनल डेडलिफ्ट को परफॉर्म करने का सही तरीका क्या है. सबसे पहले हम अपने पैरों को बार के पास में और अपने शोल्डर से हल्के से कम या फिर शोल्डर के बराबर डिस्टेंस में रखेंगे. फिर जो ग्रिप है रॉड की, जो ग्रिप है उसको हम दो तरह से पकड़ सकते हैं. एक तो ऐसे पकड़ सकते हैं, या फिर अगर ऐसे में आपको थोड़ा बैलेंसिंग में दिक्कत हो तो आप ऐसे पकड़ सकते हैं. ज़्यादातर लोग ऐसे पकड़ना प्रेफर करते हैं. तो आइए देखते हैं, ये जो आप ग्रिप करेंगे अपने शोल्डर से हल्का सा दूरी पे पकड़ेंगे और अपने ग्लूट्स को बाहर के तरफ पुश करेंगे और अपने चेस्ट को ऊपर और अपनी गर्दन सामने या फिर हल्का सा नीचे. ठीक है, अब इसको परफॉर्म करने के लिए आप अपने पैरों से ज़मीन को नीचे धकेलेंगे और हैमस्ट्रिंग से बॉडी को ऊपर. अब सीधे हाथों का ही रोल नहीं है, बस हाथों का रोल इसमें पकड़ने का है. ठीक है, पैरों से ज़मीन को नीचे धकेलेंगे और हैमस्ट्रिंग से बॉडी को ऊपर.
तो यहाँ हमने देखा डेडलिफ्ट को करेक्ट पोस्चर के साथ कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि डेडलिफ्ट जब परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें वेट कितना रखना चाहिए, वेट कब इंक्रीज करना चाहिए और एक परफेक्ट रेंज क्या है डेडलिफ्ट के रेप की। तो देखा जाए तो बेसिकली अगर आप अपनी फिजिक बेहतर करने के लिए डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी रेप रेंज होनी चाहिए बिटवीन 6 to 12। अगर आपका 12 से अधिक आ रहा है, जैसे 15 से अधिक आ रहा है, तो आप अपने वेट को इंक्रीज़ कर लें ग्रेजुअली, एक ही बार, बहुत ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे। अगर आप एक ही बार बहुत ज़्यादा वेट इंक्रीज़ कर लेते हैं तो आपकी लोअर बैक रिस्क में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपका पोस्चर जो होगा वो ख़राब हो जाएगा। अगर आप 6 से कम रेप रेंज रखते हैं तो वो डेडलिफ्ट कोई फ़ायदा नहीं करेगा आपके मसल ग्रोथ में, वो बस आपका थोड़ा सा स्टेमिना बूस्ट करेगा, थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ाएगी। अगर आप डेडलिफ्ट को 10 से ऊपर रेप में ले जाते हैं तो आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेगा, आपका ग्रोथ हार्मोन बूस्ट करेगा, आपके मसल्स अच्छे होंगे, सिमेट्री में होंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए अगर आप डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो अपनी बैक जो है एकदम सीधी रहेगी, हल्का सा चेस्ट ऊपर रहेगा और ग्लूट्स हल्के से बाहर रहेंगे, और पकड़ने का आप कैसे भी पकड़ सकते हैं दोनों साइड से, वो आपके सुविधा के अनुसार। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो, इसे थोड़ी भी नॉलेज मिली हो, तो आप हमारे चैनल मसल एडिक्ट को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन को दबाएं। मैं फिर मिलता हूँ अगले किसी फिटनेस से रिलेटेड टॉपिक को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Kids screaming in their cradles, profanities.